मैंने मेरी जिंदगी में मैं तू आना तू, अगर मैंने निजी जीवन में 12 फुट का रास्ता उनको दिया था तो फिर किस बात की ये साधु संतों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो कैसे नहीं रही साधु संतों की पार्टी। पर हमने तो हमेशा धर्म के नाम से वोट नहीं मांगे थे, धर्म के नाम से, धर्म के नाम से हमने कहीं जाए भी जहाँ भी जरूरत हो चाहे गौशाला हो चाहे कोई ऐसा आश्रम हो वहाँ भी हमने तो सब शब्द के मैं मेरे निजी जेब से पैसा देता हूँ। सर कांग्रेस के कई युवा नेता हैं, उन्होंने काफी आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। गंभीर आरोप तो मैंने फिर भी कह रहा हूँ कि लगाए तो उनकी जांच होनी चाहिए। आखिर उन्होंने जनता जनार्दन से निवेदन है कि ऐसे लोगों से आप लोग दूर रहें जो इसे घटिया और गंदी राजनीति करते हैं। पूरे मेघवाल समाज को उन्होंने बदनाम किया है, इसलिए मेघवाल समाज से मेरा निवेदन है और इस तरह से ऐसे लोगों से दूर रहे ताकि ये मेरे साथ में ये घटना कर सकते हैं तो जनता के साथ में ये क्या करेंगे आगे जाके, क्या मेरे को टिकट न दिला के ये जीत पाएंगे क्या करेंगे, कुछ जनता पता है कि नहीं उनको। कांग्रेस की कमेटी दल तैयार किया गया और पूरी जांच करेगी। अब दो मंत्री भी आए थे, एक प्रभारी मंत्री था और कई कांग्रेस के यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं या पूर्व प्रतिनिधि वो भी मौके पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी है उसके ऊपर मैं भी कह रहा हूँ तो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करो, जो भी दोषी है उसको तो मैं भी कह रहा हूँ। सर राजपुरा सुंदामाता सड़क मार्ग पर जो आश्रम स्थित है उसके जो मंत थे उन्होंने आत्महत्या कर ली, उसके बाद ये कहा गया कि लोगों ने ये कहा कि इसमें पूरा राम कहा थे, उनके ड्राइवर भी मौजूद थे, एक अन्य भी उपस्थित था, पूरा क्या मामला है सर? उसमें कोई मामला नहीं था उसके ऊपर आरोप, तो मैंने पहले कह दिया कि आरोप तो किसी के ऊपर भी लग सकते हैं, आरोप ये पांडवों के ऊपर भी ले, कृष्ण भगवान पे भी लगे थे, सीता जी पे भी लगे थे, तो आरोप को सिद्ध नहीं हुए। आरोप के नाम अभी वो साधु पडाली का था या नहीं वो तो कोई मैं जानता नहीं, और किसने नाम लिखा वो भी मुझे पता नहीं। उसकी जब जांच होगी तो अपने आप पता लग जाएगा। साधु जी वहाँ थे तो जिस दिन चार तारीख के दिन मैं सुबह 11 बजे वहाँ गया था, 11 या 12 बजे गया हुआ सौरभ, तो उसके बाद मेरी गाड़ी थी उस साइड में खड़ी थी, मतलब मेरी जो जगह वहाँ भी नहीं थी, दोनों तरफ मेरी जगह, दूसरी मेरी सामने वाली जगह राइट हैंड लेफ्ट साइड में वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी। मैं वहाँ जाके शीतल में बैठा, वापसी को बुलाया, वापसी ने कहा मुझे रास्ता दो, तो बोला वापसी कितना सही रास्ता, 2 फुट 7 फुट 5 फुट, तो बोला नहीं मेरे टैंकर जाए उतना रास्ता दो, बोला टैंकर कितने में जाएंगे, बोला 5-7 फुट, मतलब 10-12 फुट, ये 12 फुट आप ले लेना, सुबह आके ये साफ सफाई कर दे। और मौके पर रास्ता अभी भी राजपुरा के गांव की तरफ में छोटा माता से जो राजपुरा जाते हैं तो उनका बोर्ड लगा हुआ है।